हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। तो आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है। तो एज ए जनरल रीडिंग इसे लेना है आपको, पर्सनल रीडिंग एज ए नहीं लेना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में सिर्फ हम आपके बारे में जानते हैं, जनरल में हम सभी के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, सभी के बारे में यहाँ एनर्जी निकल के आने वाली है। और जैसे कि गाइस ये करंट रीडिंग होने वाली है, करंट फीलिंग के ऊपर होने वाली है, तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है आपको लेके, क्या कुछ वो करना चाहता है, क्या उसकी फीलिंग्स है आपके लिए, तो गाइस ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ जान सकते हो। ओके गाइस, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है गाइस, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने एंजल को, अपने डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिए, कमेंट सेक्शन में आप उन्हें लिख सकते हैं गाइज, क्योंकि थैंक यू बोलने से गाइज ये एनर्जी हमारे लिए और ज़्यादा वर्क करती है। इस बात को गाइज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं उतना ज़्यादा ये एनर्जी हमारे लिए वर्क करती है। ओके गाइज, तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जैसे कि फुल मून रीडिंग है तो बहुत कुछ निकल के यहाँ गाइज यहाँ पर आने वाला है। जो उनके दिल की दबी हुई बातें होंगी वो भी आज यहाँ निकल के सामने आएंगी। ओके गाइज, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग, क्या कुछ वो करना चाहते हैं। ओके गाइज, मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ओके गाइस, कम्युनिटी, वन मोर कार्ड, सेम एनर्जी आई है गाइस आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, तो जैसा कि कुछ हो सकता है, बहुत सारे पीपल्स यहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनकी जो वो एनर्जी, जिस एनर्जी में आप हो उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं इस समय, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक सेकेंड। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस समय क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, तो प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके, तो चलिए दिखाते हैं आपके लिए क्या क्या निकल के आया है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड, द सन, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, एंड ये तो अभी भी कार्ड आया था। ओके, फोर ऑफ सोर्ड का, ओके, द स्टार, क्या बात है, सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फाइव ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स का, एंड द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर स्ट्रेंथ। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देख लेते हैं किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन और उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, कैमरा मेरा थोड़ा सा आगे आ गया है। ओके ओके गाइस, तो कार्ड सब दिख रहे हैं आपको गाइस अब। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहले ना आपके जो ये पर्सन हैं गाइस, ये आपके साथ में इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं और आप भी इनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मेल फीमेल दोनों एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि इस रीडिंग के ऊपर देखो मेल फीमेल सभी आने वाले हैं और सभी देखने वाले हो जैसे कि आप, तो यहाँ दोनों ही तरह की एनर्जी निकल के आई है कि दोनों ही जो आपके काउंटर पार्ट है ये आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय। आपकी मतलब जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया है, आपका रिलेशनशिप जैसा भी रहा है दूसरे के साथ में, उसके बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एनर्जी मुझे और नज़र आई है, एक जो आपकी ये काउंटर पार्ट है ये इस समय अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब पजेसिव भी हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ तलाश रहे हैं, बहुत कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में क्या कुछ है, क्या कमी है, क्या अच्छा है। तो इस तरह से कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे गाइज नज़र आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। और एक एनर्जी आई है फाइव की, और ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ मे भी हो सकता है कुछ नया डेवलपमेंट आने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो एक नए सिरे से जैसे शुरुआत होती है, कुछ नया करना है, नई फीलिंग्स होनी चाहिए, नए इमोशन होने चाहिए, नया अटैचमेंट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो समथिंग इज़ कुछ बहुत सारे चेंजेस के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है कि हम कुछ नया क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, कुछ इस तरह से आ रहा है। और एक मुझे यहाँ पे देखो गाइस ये एनर्जी निकल के आई है, आपके जो ये पर्सन है इस समय अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में है, और फ्रेंड सर्किल के बीच में कह सकते हैं या फिर अपने मतलब इनके जो भी इनके आसपास के लोग हैं उनके बीच में, और उनके बीच में जाके बहुत ज़्यादा चिल आउट वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ में बातें वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके बारे में बताना, इस तरह से यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये जो पर्सन है इस समय काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी और जॉली टाइप के मूड्स में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस समय देखो आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, और जितना भी आपने एक दूसरे के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिस वजह से ये पर्सन इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश है। मून एनर्जी निकल के जैसे कि इस समय है, मून काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इनके ऊपर, तो इनके अंदर जो आपके लिए ट्रू हार्ट फीलिंग है, जो एक प्यारी सी फीलिंग है, जो एक अच्छे टाइम की फीलिंग है, वो इस समय इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक हावी हो रही है। तो इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा जॉली टाइप का हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं, अलग से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, अगर इन्हें किसी भीड़ में जाके देखा जाए तो अलग से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो नेचर है इस समय काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैप्पी टाइप का है, मतलब अंदर से रहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो इस तरह से इनका कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं ये पर्सन इस समय आपको लेके, आपके साथ में अपने टाइम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं। और बहुत कुछ इनको इस रिलेशनशिप के अंदर गाइस नज़र भी आ रहा है, इनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, बहुत कुछ इसके अंदर हम इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ मतलब एक फीलिंग कम्प्लीटनेस वाली मुझे यहाँ पे गाइस नज़र आ रही है। ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं बेसिकली। एंड गाइस देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो काउंटर पार्ट है ये इस समय थोड़ा सा इस समय चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, एक नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सक्की टाइप का मुझे इनका नेचर भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कहते हैं ना क्यूरियस बहुत ज़्यादा है कि क्या ये रिलेशनशिप सर्व करेगा या नहीं करेगा, क्या सामने वाला मुझको चीट तो नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक इस समय थोड़ा सा क्यूरियस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी वजह से वो जो पर्सन है आपका ये थोड़ा सा जगलिंग टाइप का भी हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, क्या मुझे चाहिए, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए ट्रस्टेबल है या नहीं है, कुछ इस तरह की मुझे देखो गाइस एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है। तो ये जो पर्सन है आपका थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेके अपने आप में इनसिक्योर फील कर रहा है, और थोड़ा सा इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि देखो मून एनर्जी है, कुछ हो सकता है इनके अंदर कुछ ऐसा आस्पेक्ट रहा हो आपकी तरफ से कि आपने इनको टाइम नहीं दिया है या कुछ चीज़ें इग्नोर करी हैं, कुछ अपना शेयर नहीं किया है, और इन्हीं बातों को जब इन पर्सन ने सोचा है तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, और इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ये थोड़े से इनसिक्योर भी नज़र आ रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप में मुझे पर्सन धोखा तो नहीं दे देगा, क्या ये मुझे चीट तो नहीं करेगा, कहीं इसका रिलेशनशिप किसी और के साथ में तो नहीं है, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो पर्सन है थोड़ा सा इस समय इनसिक्योर भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जगलिंग टाइप की एनर्जी इस समय नज़र आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए गाइस जैसे कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपका ये इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इस रिलेशनशिप को लग रहा है कि हाँ इस रिलेशनशिप में इसे बहुत कुछ मिल सकता है, और जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो इसमें इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसका अच्छा टाइम इसे नज़र आ रहा है, अपनी लाइफ में कम्प्लीटनेस नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इसको अपनी लाइफ आपके साथ में कम्प्लीट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा है, इसको लग रहा है आप इसके लकी चार्म हो, इसके लिए सब कुछ हो, इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और ये अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आपके साथ में कम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की गाइज मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे कि सेकंड एनर्जी मुझे गाइज यहाँ पे ये भी नज़र आई थी कि आपके जो ये पर्सन हैं ये इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एंड समझ रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इन पे फोकस ना करके किसी और पे इस समय फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट है और आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, उनको से मिलना बंद कर रहे हो, इनसे कॉल करना बंद कर रहे हो, उन पर ट्रस्ट करना बंद कर रहे हो, तो समथिंग लाइक इस तरह की एनर्जी भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप इस पर्सन ये जो पर्सन है ये रिलेशनशिप में ये सोच रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और आपका ध्यान लग चुका है, कुछ इस तरह की गाइस मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, या किसी और पर्सन के साथ में खुश फील कर रहे हो, तो इस तरह की गाइस मुझे नज़र आ रही है एनर्जी। ये जो पर्सन है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा
थोड़ा सा शक कर रहे हैं, शक्की टाइप का इनका नेचर हो चुका है, तो इस तरह से ये एनर्जी मुझे एनालाइज नज़र आ रही है। और कुछ आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपके अंदर, एक ही बात को लेके बार बार एक ही चीज़ को रिपीटिव करा जाता है, पर कोई रिजल्ट उसका निकल के नहीं आता है। एक ही बात बार बार घूम फिर के वही बात सामने आ जाती है, तो वो जिस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और बट ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा पजेसिव भी हैं गाइज, ऐसी बात नहीं है कि पजेसिव नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। ये बेशक अपनी लाइफ में इन्होंने इस समय पर बहुत कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में, पर ये आपको लेके आज भी पजेसिव हैं, और इसी वजह से ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर इनका फोकस भी बना हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं ये रिलेशनशिप में जो भी कमियां आ गई, जो भी परेशानियां क्रिएट हो गई हैं, जो भी मिस कम्युनिकेशन हो गया है, ये मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए और रिलेशनशिप दोबारा से सर्वाइव कर सके थोड़ा दोबारा से, जो क्योंकि एक रिलेशनशिप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा है गाइज। आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहे हैं, एक कह सकते हैं एनर्जी बहुत अच्छी रही है इस रिलेशनशिप के अंदर, तो इस वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कहीं ख़त्म नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ये ऐसा कुछ ऐसा निकल के आ जाए जिससे रिलेशनशिप की उम्मीद नज़र आ जाए, सर्वाइव हो जाए, आगे बढ़ जाए, कुछ तो ऐसा हो जिससे एक उम्मीद बन जाए, है ना। तो इस तरह से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उनको लगता है कि लाइफ मतलब एक ठहराव लाइफ में जो आता है, एक स्टेबिलिटी आती है, एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, कि लगता है यार कि रिलेशनशिप हो तो बस ऐसा हो कि आप अपनी सारी दिल की बातें कह सको, अपनी टेंशन को दूसरे के साथ में शेयर कर सको, उनके साथ में इंजॉय कर सको, अपनी लाइफ में आने वाली लाइफ की प्लानिंग कर सको, लाइफ को अच्छा मतलब एक फ्रूटफुल होता हुआ देख सको, जिसमें आप अपना मतलब एक अपनी ही दुनिया हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं और आपके साथ में कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन को भी थैंक यू बोलते हैं कि इतना प्यारा पर्सन उन्होंने आपकी मतलब आपकी उनके लाइफ में आपको भेजा है, जिस वजह से वो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है, उनको एक कहते हैं ना एक वो दुनिया मिल गई है जिस दुनिया की वो कल्पना कर रहे थे, जिस तरह के लाइफ पार्टनर की उन्होंने एक ख्वाहिश की थी कि ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में आए कि बस मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे, मुझे मेरी केयर करे, मेरी बातों को समझे, मेरे साथ में टाइम स्पेंड करे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी गाइस मुझे नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है ये आपके अपना कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि आप इनकी लाइफ में जो जगह खाली थी, जो इनकम्प्लीटनेस थी, जो कि कहीं पे कुछ रह गया था खालीपन, तो वो आपने वो आके इनकी लाइफ में फुलफ़िल किया है, आपने इनके इनकी लाइफ को बैलेंस करने का काम करा है, इनको नई राह पे लेके आए, इनकी लाइफ में खुशियां लेके आए, इनको मतलब कहते हैं ना एक एक खुशियों से भर दिया है आपने इनकी लाइफ को। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खुश हैं ये आपके साथ में, आपका साथ पा के अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है, इनको बहुत कुछ करने के लिए हिम्मत आ गई, करेज आ गया है, क्योंकि इनके को गाइस अगेन वही एनर्जी है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इनको अपने आप में एक मिनट गाइस। तो गाइज़ ये जो पर्सन है ये आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपके आने के बाद में इनकी लाइफ स्टेबल हो गई है, इनको समझ में आने लगा है कि अपनी लाइफ में आप कैसे किस राह पे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंदर से कहते हैं ना करेज सा आ गया आपके से मिलने के बाद में। तो ये पर्सन आपको पाके कहीं ना कहीं गाइज़ बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इनकी ये फीलिंग गाइज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कॉन्फिडेंट है कि आप इनको कभी चीट नहीं करेंगे, आप इनके साथ में हमेशा रहेंगे, इनका साथ निभाएंगे, कभी इन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गाइज़ देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस तरह से, लेकिन इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये जो पर्सन है मेरे साथ में कभी गलत नहीं करेगा, मुझे कभी चीट नहीं करेगा, मेरा हमेशा सपोर्ट करेगा, साथ देगा, चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो लाइफ में, चाहे कितने ही अप एंड डाउन हो जाए, पर ये पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पे गाइज एनर्जी नज़र आ रही है। ओके गाइज, तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स भी गाइज यहाँ पे। ओके प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए। ओके सिक्स ऑफ सॉर्ड आया गाइज आपके लिए। गाइज देखो लाइफ में ना जिन लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आई थी कि जो पर्सन इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है सर्वाइव करना,
आप एक दूसरे के साथ में बातें नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं कि आपकी ट्रू हार्ट फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइस। ओके, तो आप जाके उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे पूरा करिए, उसे ख़त्म करिए गाइस। और ये पर्सन एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब एग्गर बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब कहते हैं ना कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि यार सारे काम छोड़ो बस मिल लो, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नाइस नज़र आ रही है कि वो आपके साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ बताना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या वो फील करते हैं, क्या कुछ है उनके अंदर, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो इस समय थोड़ा सा एनर्जी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं और अपना फोकस, मतलब उनका जो फोकस है गाइस इस समय लाइफ का या कह सकते हैं इस रिलेशनशिप का, वो सारा का सारा एक ही जगह पर नज़र आ रहा है गाइस। उनके पूरे एफर्ट्स, उनकी लाइफ में जितने भी इस समय एफर्ट्स हो रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्टेबल करने के लिए हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को सेट करने के लिए हो रहे हैं, सही है, ताकि रिलेशनशिप में कुछ कमी ना आ जाए, कोई रिलेशनशिप में कुछ खटास ना आ जाए। रिलेशनशिप जो एक मिठास है रिलेशनशिप की, जो एक एनर्जी है रिलेशनशिप की, प्यारी सी एनर्जी है जो एक दूसरे को बांधी हुई है, दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, आप दूसरे को एक दूसरे के साथ में कंप्लीट फील करती है, तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल भी मुझे नज़र आ रहे हैं पर्सन। लेकिन हाँ, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइस पजेसिव भी हैं, ठीक है। तो पजेसिव वाली यहाँ पे मुझे फीलिंग नज़र आ रही है। और अगेन गाइस देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, तो दो तरह की एनर्जी है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये एज ए किंग और क्वीन आप दूसरे को देखते हैं, जो दूसरे को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, दूसरे के लिए सपोर्टिव एनर्जी है गाइस। ओके गाइस, तो आई होप आपके लिए रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी गाइज। अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है गाइज। अपने एंजल को, अपने डिवाइन को थैंक यू बोलिए। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गाइज थैंक यू।